लाहौर में पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से गड प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे अगुणे सदर आसिफ अली जरदारी तो पीपी हमेशा पार्लियामेंट जो साथ दिनों जमहूरियत बचाई उन्होंने कदें भी हुकूमत जो साथ ना दिनों उन्होंने तो मानुन के गलत फहमी है तो उन्होंने आखिरी भेरों नवाज शरीफ जो साथ रही हुकूमत के बचाओ पर उन्होंने कदें भी हुकूमत जो साथ ना दिनों उन्होंने पार्लियामेंट जो साथ दिनों हो जमहूरियत बचाई हुई इन वक्त जमहूरियत के कोई भी खतरो ना है आसिफ अली जरदारी अग में पीपी के वजीर आजम के नाहल वजीर आजम आंदो हो संदस चवण हो तो जलावतनी वाले वक्त जैसे हु अमेरिका में हो तो नवाज शरीफ से संदस नातो रो जैसे हु तरदीद न तो करे जैसे भाव से चार साल नाता न होजन उन फोन करे तो उहो भी फोन न खणंदो आसिफ अली जरदारी कदें भी नवाज शरीफ का को भी फायदो ना है वरतो ए न ही वठंदो संदस दोस्ती जमहूरियत से गड हुई नवाज शरीफ से गड वेही पावा नायन खादा उन तो जमहूरियत का सवाए पाकिस्तान वट बो को भी रस्तो ना है जमहूरियत आहिस्ते आहिस्ते मजबूत थी रही है जमहूरियत के अगते वधंदे दिसण चाहिन था पर हु नवाज शरीफ ए संदस खानदान के इंदर नियन जी सियासत में नथो दिसे अगुणे सदर चो तो सियासत में का भी गाल आखिरी ना है हुंदी पर हिन वक्त कें भी पार्टी सा मफाहमत जी गाल वक्त का अग है इस वक्त पार्टी की ये सोच नहीं है कि हम किसी भी पॉलिटिकल फोर्स के साथ मिलकर कोई चले हमारा मकसद है कि हम अपनी पोजीशन बनाए अपनी स्पेस बनाए संदस चवण तो इमरान खान हिन वक्त फुल टास ते खेली रो है जने नोबाल ते इंदो त दिसंदा सानस मुलाकात न थी आ है ए नई वरी थी सके थी इमरान खान साहब फिलहाल फुल टॉस में खेल रहे हैं आसिफ अली जरदारी बीबी शहीद 22 साल की जमार में सियासत शुरू कई पर आजकल गैर सियासी मानू सियासत में आयन उनकी वालदा जो है उसने सियासत शुरू की थी 22 साल की उम्र में अब ये ना सियासी लोग हैं उनको मैं क्या समझाऊं उन मौके से गालाइंदे बिलावल भुट्टो जरदारी चयो तो हु काल भी जमहूरियत से गड हुआ अज भी आहन सुभान भी जमहूरियत से गड रहंदा उन चो तो नवाज शरीफ जो खानदान जकने पीपी खान रिलीफ चाहे तो ओ केस नथो मिली सके हु जमहूरियत से गड आहन बाकी नवाज शरीफ ए संदस खानदान जो साथ न दींदा अगर शरीफ खानदान कोई रिलीफ एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वो उनको नहीं मिल सकता है बिलावल भुट्टो जरदारी तो कौम जाने थी तो नवाज शरीफ मासूम न पर डोहारिया है अदालत खेस नाहल करे कड़ियो कौम को पता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मासूम नहीं है मुजरिम है सुप्रीम कोर्ट ने इसको नाहल करके निकाला है तो ये साफ है सब सदा चवणो तो पीपी जी मुहिम जुल्फकार अली भुट्टे के नजरिए लाए मुल्क की कुंड कुड़छ में वींदो।